दुल्हन बनी वेदिका घर के चौखट पर अपने पति निखिल के साथ खड़ी थी। तभी उसकी सास रिपना उसकी आरती उतारते हुए बोलती है, हाय, नजर न लगे, एकदम चांद का टुकड़ा है मेरी बहू तो। तभी रिपना के पास में खड़ी वेदिका की बड़ी ननद नीलम बोलती है, हाँ माँ, बात तो सही कह रही हो, एकदम भाभी तो बहुत सुंदर है। नीलम अभी बोल ही रही होती है कि तभी वेदिका की छोटी ननद श्वेता बोलती है, जो कि अपनी सहेली किरण के साथ खड़ी थी। किरण श्वेता की बचपन की दोस्त होने के साथ साथ पड़ोसन भी थी, इसीलिए वो किरण के हाथों से चावल का भरा कलश लेकर बोलती है, अरे बस भी करो, बहुत हो गया, भाभी ये कलश गिराओ और अंदर आओ। वेदिका चावल से भरा कलश गिराकर अपने ससुराल में अपने शुभ कदम रखती है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। एक तरफ नीलम और रिपना वेदिका पर हुक्म चलाया करते थे, तो वहीं श्वेता थोड़ी चंचल स्वभाव की थी। ऐसे ही एक दिन किरण श्वेता से मिलने के लिए घर आती है और वेदिका बोलती है, भाभी श्वेता कहाँ है? वो अपने कमरे में है, आप बैठो, बहुत सही वक्त पर आई हो, मैंने गर्मा गर्म आलू के पराठे और बूंदी का रायता बनाया है, आप भी बैठकर खाना। वेदिका की बात सुनकर किरण फट से जाकर खाने की टेबल पर बैठ जाती है और वेदिका भी श्वेता को बुलाकर ले आती है। पर जैसे ही नीलम और रिपना खाने के लिए टेबल पर आती है, तभी किरण को देखकर वो बुरा सा मुंह बना लेती है। वेदिका सभी को खाना परोसती है, तभी किरण खाना चखकर कहती है, भाभी आपके हाथों में तो जादू है, आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह खाना बनाती हो, सच में आपने मुझे उनकी याद दिला दी, मैं स्कूल जाती थी तब वो मुझे छोड़ के चल बसे। अरे अरे किरण, दिल छोटा नहीं करते, जब तुम्हारा दिल करे तुम मेरे पास आ जाया करना खाना खाने के लिए, आखिर तुम भी तो मेरी ननद ही हो। भाभी क्या सारा प्यार मेरी दोस्त को ही दे दोगी? माना कि वो आपकी ननद है, पर मैं भी तो आपकी ननद हूँ, मेरा भी तो ख्याल रखा करो। यही बातें करते करते सभी खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद श्वेता किरण को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और वेदिका टेबल से बर्तन उठाने लगती है। तभी रिपना बोलती है, देखो बहू रानी, एक सीधी साफ बात कहती हूँ, याद रखना तुम्हारी तीन नहीं बस दो नंदे हैं, जो है मेरी नीलम बिटिया और श्वेता बिटिया। इस बिना माँ की बेटी किरण को ज्यादा मुँह लगाने की जरूरत नहीं है, समझ गई? हाँ भाभी, माँ सही कह रही है, आपके अंदर जो अभी कुछ देर पहले उसकी भाभी वाली या माँ वाली ममता उमड़ रही थी ना, उसे आप अपने तक ही रखो तो ज्यादा अच्छा होगा। नाकर चली जाती है। कुछ देर बाद किरण भी घर से चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं, जहाँ एक तरफ नीलम और रिपना को किरण फूटी आंख नहीं भाती थी, तो वहीं वेदिका किरण को दिल से अपनी तीसरी ननद मान चुकी थी, जिसके चलते वो उसे नीलम और श्वेता की तरह ही प्यार दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब घर में कोई नहीं होता, तभी हाथों में तोहफा लिए किरण श्वेता के घर आती है और वेदिका को आवाज देते हुए बोलती है, भाभी, वेदिका भाभी। हाँ मेरी प्यारी ननद, कहिए क्या हुआ? भाभी ये तोहफा आपके लिए, खोलकर देखो कैसा है। किरण के कहने हुए बोलती है, भाभी वो तोहफा भाभी, हाँ मेरी प्यारी ननद, छोटे कहिए क्या हुआ? भाभी ये तोहफा आपके लिए, खोलकर देखो कैसा है। किरण के कहने पर बोलती है, भाभी ये मुझे मेरी माँ ने जाते जाते दिया था, वो कहती थी कि ये हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, माँ तो चली गई, लेकिन जब से आप मेरी जिंदगी में आई हो मुझे माँ भाभी दोनों का प्यार मिल गया है, इसलिए अब से मैं ये आपको देना चाहती हूँ, ताकि ये आपकी रक्षा करे, आपकी जिंदगी में खुशियाँ भरे। पागल हो, तुम मेरी ननद हो समझी, और ननद छोटी बहन होती है और भाभी माँ जैसी होती है, मेरी दो नहीं बल्कि तीन ननद है। भाभी मेरा ना कचौरी खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप मेरे लिए बना दोगी प्लीज? अरे क्यों नहीं, साथ में चटनी भी बना कर दूंगी। इतना कहकर वेदिका किचन में जाती है। कुछ देर बाद वो गर्मा गर्म कचौरियाँ बना कर लाती है और किरण को अपने हाथों से खिलाती है। तभी रिपना और नीलम भी घर आते हैं और किरण और वेदिका को ऐसे हंसते देखकर नीलम रिपना से बोलती है, माँ देख रही हो ना कैसे इस घटिया लड़की से आपकी बहू नजदीकियाँ बढ़ा रही है, जिसे हम अपने घर की धूल समझते हैं उसे ये सर का ताज बना रही है। हाँ हाँ नीलम बेटा, देख रही हूँ, कुछ तो करना होगा, बड़ा शौक है इन दोनों को नंद भाभी बनने का, देखना मैं कैसे इनके बीच में नफरत की दीवार करती हूँ। क्यों नहीं माँ, मैं भी आपके साथ हूँ, वैसे मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।
इतना कहकर नीलम अपनी माँ को सारा प्लान बताती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी घर के अंदर जाती है और वेदिका एकदम से नीलम और रिपना को देखकर घबरा जाती है। तभी नीलम बोलती है, अरे भाभी क्या हुआ, आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गई, जैसे आपकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अरे किरण बेटा तुम कब आई? जी आंटी जी बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, भाभी से मिलने का मन किया तो आ गई। किरण सुनो, अगले हफ्ते श्वेता का जन्मदिन है, माँ और मैं तो काम में थोड़ा बिजी होंगे, तो अपनी भाभी के साथ मिलकर तुम्हें ही सारी तैयारियाँ करनी है। अरे कोई नहीं, ये भी कोई कहने की बात है, तुम तो किस्मत वाली हो, दो नंद पे एक नंद फ्री मिल गई है। ठीक है मैं चलती हूँ, बाय दीदी, बाय आंटी, बाय भाभी। इतना कहकर किरण वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एकदम से किरण के प्रति बदला हुआ रिपना और नीलम का स्वभाव वेदिका को कुछ खटकने लगता है, पर वो किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताती, बस चुपचाप अपने कामों में लगी रहती है। ऐसे ही श्वेता के बर्थडे का दिन आता है और किरण घर आती है, जिसके बाद वेदिका के साथ मिलकर श्वेता को सरप्राइज देने की वो तैयारियां करने लगती है। तभी हाथों में सोने का हार लिए हुए नीलम वहां आकर बोलती है, भाभी ये लो सोने का हार, ये श्वेता को तोहफे में देना है, मैं और माँ जरूरी काम से बाहर जा रही हैं, शाम तक आ जाएंगे, आप किरण के साथ मिलकर सारी तैयारी कर लेना। नीलम और रिपना बाजार चली जाती है। किरण और वेदिका श्वेता के बर्थडे की तैयारियां करने लगते हैं। वेदिका हार उठाकर अपने कमरे में रख देती है। शाम ढल जाती है, सभी लोग घर आते हैं और जैसे ही श्वेता घर आती है नीलम की बात सुनकर वेदिका जल्दी से कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ हार नहीं होता और वो खाली हाथ ही नीचे आती है और हार ना मिलने की बात सबको बताती है। ये सुनकर नीलम सभी के बैग चेक करती है, तभी के बैग से वही नीलम को देने वाला सोने का हार निकल आता है और नीलम गुस्से से बोलती है, वाह वाह ये सिला दिया है तूने हमारे प्यार का, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, निकल जा मेरे घर से बाहर, आज के बाद अपना ये चेहरा हमें मत दिखाइयो, समझ गई? नीलम किरण को धक्के देकर घर से निकाल ही रही होती है कि तभी वेदिका बोलती है, बस करो नीलम दी, और कितना झूठ बोलोगी, आप बाजार का बहाना बनाकर घर से बाहर गई और फिर पीछे के दरवाजे से अंदर आकर हर किरण के बैग में डाल दिया, मैंने ऐसा करते हुए आपको देख लिया था, अब कितनी गिरी हुई हो दीदी, वो एक बिन माँ की बच्ची है, बिना कुछ सोचे समझे आपकी हर बात मान जाती है, बदले में एक प्यार ही तो मांगती है आपसे, उसमें भी आप छी, सच में दी मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि आप मेरी तीन नंदों में एक हो। अपना सारा सच बाहर आ जाने के बाद नीलम की नजरें श्याम से झुक जाती है, साथ ही रिपना को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है। दोनों ही किरण और वेदिका से माफी मांगती है, जिसके बाद रिपना किरण को अपनी बेटी स्वीकार करती है और उसे भी श्वेता की तरह ही प्यार देती है। पुष्पा किचन में खाना बनाते हुए अपनी बहू को, जरा कहाँ रह गया वो? खुशी फोन ना कर अपना फोन लेकर वहाँ से पुष्पा के पास चली जाती है और खाने की खुशबू सूंघकर अपनी सास से बोलती है, अरे वाह माँ जी, खुशबू तो बड़ी बेहतरीन आ रही है, क्या बना रही हो आज? पनीर, सुधीर का मन पसंद। अच्छा तो आज अपने बेटे के पसंद की चीजें बनाई जा रही हैं और मेरे लिए? अरे तेरे पसंद का भी बना रही हूँ, आलू के पराठे। दोनों सास बहू खाना बनाते हुए बातें करने लगती हैं। तभी सुधीर बाहर से खाना लेकर आ जाता है और अपनी माँ को आवाज़ देते हुए कहता है, माँ आज मैं देखो बाहर से खाना लाया हूँ। अरे नास बेटे, ये जो घर में खाना बना है ये क्या गली के कुत्ते खाएंगे? क्या माँ जी आप भी, जब हमने घर में ही कुत्ता पाल रखा है तो गली के कुत्ते को खाना खिलाने की क्या जरूरत है? सही बोल रही है मेरी बहू, और जब तू बाहर से खाना ला ही रहा था तो हम दोनों में से किसी एक को बता तो सकता था। माँ मैंने आज ही सुबह आपकी लाडली बहू को बताया था, यकीन नहीं है तो खुद ही पूछ लो। बहू तूने मुझे बताया क्यों नहीं? ओ मैं तो भूल ही गई थी, सॉरी। खुशी की इस हरकत के लिए पुष्पा उसे एक माँ की तरह डांटती है और खुशी भी एक बेटी की तरह उसकी सारी बातें मान लेती है। थोड़ी ही देर के बाद तीनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं कि तभी पुष्पा की बहन निधि का फोन आ जाता है
अपनी बहन से बात करने के बाद पुष्पा खाना खाते हुए खुशी और सुधीर से बोलती है, तेरी प्यारी मासी आ रही है कल, निधि मासी। क्या माँ, सच? निधि मासी, ये वही है ना जिनकी आपसे अक्सर बात होती है? हाँ, ये वही मासी है जिनके बारे में मैं तुम्हें बताता था। निधि के बारे में इतना सब कुछ सुनकर खुशी का भी उससे मिलने का मन करता है और अगले निधि उनके घर आ जाती है। उसके घर आते ही खुशी उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लेती है। उसके ये संस्कार देखकर निधि बोलती है, हाय रामा, ये क्या हुआ? अरे पुष्पा, तेरी बहू तो बहुत ही ज्यादा संस्कारी है, और मुझे माफ करना कि मैं तेरी बेटी की शादी में आ ना सकी, तुझे तो पता है ना मेरी तबीयत का। अरे कोई बात नहीं, निधि खुशी को उसकी मुंह दिखाई में सोने की चैन देती है। कुछ ही देर के बाद निधि अपने कमरे में आराम करती है। खुशी अपनी माँ से सास के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती है। ये सब देखकर निधि को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अगली सुबह निधि घर में सबसे पहले उठ जाती है और घर में जाकर पूजा करती है। पूजा की घंटियों की आवाज सुनकर सभी की आंखें खुल जाती है, पर खुशी अभी तक सो रही होती है। और कुछ ही देर के बाद हर बार की तरह खुशी अपने समय पर उठकर सीधा किचन में चली जाती है और अपने सास से बोलती है, माँ जी, खुशबू तो बहुत आ रही है, क्या बना रही हो आज नाश्ते में? तेरी मासी के मन पसंद पोहे। दोनों सास बहू वहाँ पर बातें कर ही रही होती हैं कि इतने में निधि आ जाती है। ये क्या हुआ? अरे सास यहाँ काम कर रही है और बहू खड़ी होके तमाशा देख रही है। अरे एक हमारी बहू है जो जुबान तक नहीं चलाती, और ये महारानी अपनी सास से काम करवाए जा रही है। तो क्या हुआ दीदी, वैसे भी खाना मैं ही बनाती हूँ। हाय रामा, ये क्या हुआ? पुष्पा, तुम रोज खाना बनाती हो तो ये क्या करती है? वो बात ये है ना कि मुझे अभी माँ जितना अच्छा खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए मैं अभी सीख रही हूँ। निधि खुशी पर भड़कना शुरू कर देती है, पर पुष्पा बात को संभाल लेती है। और निधि के वहाँ से जाने के बाद पुष्पा अपनी बहू से कहती है, बहू तो अपनी मासी सास की बातों का बुरा मत मान, वो थोड़ी पुरानी सोच की है, और उनके बेटे बहू भी अब उनके साथ नहीं रहते ना, तो उन्हें लगता है बहू को ज्यादा लाड प्यार करने से बहू सर पे चढ़ जाती है, बस इसीलिए। कोई बात नहीं माँ, मैं समझ सकती हूँ। दोनों सास बहू बातें करके एक दूसरे को गले लगा लेती हैं, पर निधि ये सब देख लेती है और उन दोनों सास बहू के बीच फूट डलवाने के बारे में सोचती है, जिसके लिए वो पुष्पा और खुशी के किचन से जाने के बाद निधि वहाँ जाकर खाने में नमक डाल देती है। जब खाना खाने के लिए सभी बैठते हैं तो तेज नमक की वजह से खुशी अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आज क्या आपने नमक की सब्जी बनाई है? हाय माँ, ये क्या हुआ? अरे बहू, तुझसे तो खुद का कुछ होता नहीं और अपनी सास को बोले जा रही है। देख ले पुष्पा, ये है तेरी बहू। बहू, मैं तेरी सास हूँ, इस घर की नौकरानी नहीं जो तुम उससे ऐसे बात करेगी। पुष्पा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद निधि उसके पास जाकर उससे कहती है, हाय रामा, ये क्या हुआ? देख ले पुष्पा, मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि बहू बहू होती है, बेटी नहीं, पर तुझे भी तो मेरी एक भी नहीं सुननी थी। निधि पुष्पा को अकेला देखकर उसको खुशी के खिलाफ भड़काती है, पर खुशी यह सब देख लेती है और समझदारी के साथ अपनी सास के पास जाती है। उसको देखकर निधि अपना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद खुशी अपनी सास से कहती है, माँ जी माफ करना, पर मैंने ये सब मजाक में कह दिया था, मेरा आपको ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। पर ठेस तो लगी है ना बहू, अगर आज मेरी जगह तेरी माँ होती। माँ जी, मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ, बस इसीलिए बोल पाई, अगर सास मानती तो शायद कुछ ना कहती। खुशी अपनी सास को गले लगा लेती है, जिसके बाद वो अपनी सास को हंसाने के लिए उससे कहती है, पुष्पा आई हेट टीयर्स रे। खुशी का प्यार देखकर पुष्पा भी ज्यादा देर तक उससे नाराज नहीं रह पाती और अपनी सास को खुश करने के लिए खुशी अपनी सास से कहती है, माँ जी आज आप बोलिए आपको क्या खाना है, आज आपकी खुशी आपके लिए खाना बनाएगी, योर ऑर्डर मैम। ये बोलकर खुशी जल्दी से अपने हाथों से नोटबुक पेन लेकर आती है और अपनी सास का ऑर्डर लेने लगती है, जिसके बाद उन दोनों सास बहू का प्यार देखकर निधि अकेले में खुशी के पास आकर उसे भड़काने की कोशिश करती है, जिस पर खुशी उसे करारा जवाब देते हुए कहती है, मासी मुझे माफ करना, जो भी मैं आपको बोलने वाली हूँ शायद वो आपको बहुत बुरा लगे, लेकिन अगर आपने अपनी बहू को अपने बेटे की तरह प्यार किया होता ना, तो वो भी आपको अपनी माँ जितना ही सम्मान देती और प्यार देती, लेकिन नहीं, आपसे अपनी बहू तो
संभली नहीं और दूसरों के घर बर्बाद कर रही हैं। खुशी की ऐसी बातें सुनकर निधि वहाँ से पुष्पा के पास चली जाती है और खुशी के बारे में नमक मिर्च लगाकर उसे सब बताती है, जिस पर पुष्पा निधि से बोलती है, दीदी मैं और मेरे बेटे बहू आपकी बहुत इज्जत करते हैं, प्लीज हमारी नजर में आप अपनी इज्जत मत गिराइए, क्योंकि हम सब जानते हैं आपको, जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे आपको अपनी बहू अच्छी नहीं लगेगी। एक बार सास होने का अकड़ तो छोड़ कर देखो, आपको खुद पता चल जाएगा आपकी बहू भी आपसे कितना प्यार करती है। तभी निधि की बहू कश्मीरा का फोन आ जाता है और वो डरते हुए अपनी सास से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, पर निधि उसको गुस्से में कुछ बोल नहीं जा रही थी। लेकिन तभी खुशी और पुष्पा उससे प्यार से बात करने के लिए निधि की तरफ इशारा करते हैं और पहली बार निधि अपनी बहू से प्यार से बात करती है। अपनी सास का ऐसा व्यवहार देखकर कश्मीरा भी उससे बहुत ही अच्छे से प्यार से बात करती है और दोनों सास बहू पहली बार एक दूसरे से सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी की तरह अपने सुख दुख पूछती है। अपनी बहू से बात करने के बाद निधि और कश्मीरा में भी प्यार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करती हैं। तभी निधि उनसे कहती है, हाय रामा, ये क्या हुआ, तेरी बहू तो सच में संस्कारी है और मेरी भी। आज तुम दोनों की वजह से मुझे समझ आ गया कि एक सास बहू में भी प्यार हो सकता है अगर वो दोनों एक दूसरे को समझते हो। और अब मुझे जाने की इजाज़त दो, आज बहुत दिनों बाद दिल से मेरी बहू मेरे पास आ रही है। इतना सब बोलकर निधि अपना बैग पैक करके वहाँ से चली जाती है और दोनों सास बहू मिलकर खीर खाती हैं। पर बेस्वाद होने के बाद भी पुष्पा अपनी बहू की तारीफ ही करती है और दोनों सास बहू मिलकर खीर के खूब मजे लेती हैं। इस तरह वो लोग खुशी खुशी जिंदगी भर तक एक दूसरे के साथ रहती हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।